भैया आलू कैसे भाव दिए हैं? आलू 15 रुपए किलो। 15 रुपए? अरे भैया ठीक ठीक लगाओ, 2 किलो ले लूंगी। नहीं मैडम जी, इतने कम में 12 नहीं खाता, माना। अरे भैया आपने तो लूट मचा रखी है। क्या लूट मचाई है, खेत में जाते हैं, सारा सामान पैक करते हैं, फिर किराया भाड़ा देके यहाँ पे लाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है इसमें। 10 रुपए किलो देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। अरे नहीं मैडम, 10 रुपए में नहीं चले। अरे भैया 10 रुपए किलो दे दो, 2 किलो ले लो। नहीं होगा ना, काफी बहस कर रहे हैं, फायदा क्या है, खुद ही समझदार है आप लोग। ठीक है आपकी मर्जी। ओ मैम डाल लो डाल लो। चलो यार एक कॉफी बना दो, तब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है। नंदिता मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। कॉफी? अरे कॉफी नहीं, थका हुआ हूँ यार। कुछ खाने में कुछ है, बनाया कुछ? मेरा मन नहीं आज कुछ बनाने का, तुम बाहर से ही कुछ मंगवा लो। अरे फोन तुम्हारे पास है, कर लो। तुम भी कर सकते हो, ये लो। ओके। हेलो पिज्जा हाउस, एक ऑर्डर नोट कीजिए। एक लार्ज चीज पिज्जा। मैं अपनी लोकेशन शेयर कर रहा हूँ आपको। ओके। पिज्जा, वेट। गुड इवनिंग मैम, एंड योर पिज्जा। थैंक यू। कितना हुआ भैया? 550 ओनली, बट इट्स 600 रुपीज। मैम चेंज नहीं है। ओके नो वरीज, हैव इट। थैंक यू मैम। आपको पता है कि जब नवंबर में नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे क्या हो रहा है हमारे देश, उसी दौरान राज्य के किसान, किसी को फिक्र ही नहीं है किसानों की। अनदेखी के चलते फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों को कोई राहत नहीं मिली, जिसने करीब 300 किसानों की जान ले ली। क्या बेकार गवर्नमेंट है ये, किसानों के बारे में सोचती क्यों नहीं कुछ? रोज कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। उसी दौरान राज्य में फसल खराब होने के चलते, अरे तभी तो हमारे देश का कुछ हो नहीं रहा। अच्छा छोड़ो, सॉस पकड़ाओ, सामने तो पड़ी है, खुद ले लो। के लिए नेताओं के बीच